नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती दिख रही है। 15 दिनों बाद भी देश की सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई ठोस सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है। सीबीआई को अब कुल 7 लोगों को झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने बैठा रही है, जिनसे इनके बयानों में जो विरोधाभास है वो क्लियर हो सके। हालांकि इसमें भी आज आरोपी संजय रॉय का टेस्ट कल के लिए टाल दिया गया। देश सवाल पूछ रहा है कि कोलकाता फाइल्स की क्लोजर रिपोर्ट आखिर कब आएगी। ये रिपोर्ट देखिए। दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही। रहम की भीख मांगती रही, आखिरी सांसों तक लड़ती रही। जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे, ना वो आधी रात घर से निकली थी, ना सुनसान सड़क पर थी, उसकी तो गर्दन में जान बचाने वाला आला था। फिर भी उसे नोचा गया, खसोटा गया, असमत लूटी गई, मौत के मुंह में झोंक दिया गया। हैवानियत की सन्न कर देने वाली कहानी द कोलकाता फाइल्स। देश उबल रहा है, देश सवाल पूछ रहा है, देश इंसाफ मांग रहा है। डॉक्टर बिटिया का बलात्कारी कौन, डॉक्टर बिटिया का कातिल कौन, डॉक्टर बिटिया की रूह को कब मिलेगा सुकून? किसी के पास जवाब नहीं है, किसी के पास 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात का हिसाब नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन कौन शामिल? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई परत दर परत तलाश कर रही है, केस का रेशा रेशा खंगाल रही है, लेकिन सवाल अब भी अनसुलझे हैं। 15 दिन बाद कितने मिले सबूत, कितने मिले गवाह, कितने दूर रह गए हैं कानून के हाथ? डॉक्टर बिटिया को कब मिलेगा इंसाफ? न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी पड़ताल द कोलकाता फाइल्स। कोलकाता केस की डिटेल दिखाने से पहले पीड़िता के पिता ने क्या कहा सुनिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ने एक बड़ी चूक की है? पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जो है जिसका पास मेरा लड़की को भेजा था वो ऑन ड्यूटी में था। एक ऑन ड्यूटी में एक जो लड़का हो या लड़की जिसके काम करता है, जैसे हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा ही है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरा हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा, लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई फोन से भी बात नहीं। जब उनका शव मिलता आपको कितने बजे फोन आया और किसने फोन किया था? 10:53 पर फोन आया और उसके बाद हमने किया, उसके बाद उसने उधर से भी फिर एक बार फोन आया, उनसे बोला मैं असिस्टेंट सुपर बोल रहा हूँ, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दी। सीबीआई आज 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। दिल्ली से एक विशेष टीम आकर ये पॉलीग्राफ टेस्ट को कर रही है, जिसमें संजय रॉय, इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 2 ट्रेनी डॉक्टर, 1 इंटर्न और 2 अन्य स्टाफ शामिल हैं। सीबीआई इस टेस्ट के जरिए जानना चाहती है कि आखिर 8 और 9 अगस्त की रात सेमिनार हॉल में क्या हुआ था। तो ये तो क्लियर होता जा रहा है कि इस केस से जुड़े वो कौन से और कितने किरदार हैं जिन पर सीबीआई अपनी जांच फोकस कर रही है। नंबर 1 आरोपी संजय रॉय, जिसे 14 दिनों के लिए जेल भेजा जा चुका है। नंबर 2 आरजीकर का पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। नंबर 3 फर्स्ट ईयर पीजी डॉक्टर अर्का। नंबर 4 फर्स्ट ईयर पीजी डॉक्टर सौमित्र।
नंबर 5 हाउस स्टाफ गोलाब, नंबर 6 एक इंटर्न सुपदीप, नंबर 7 अस्पताल का एक और स्टाफ। इन सबको पॉलीग्राफी टेस्ट से गुजरना होगा। डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की कड़ियां बहुत उलझी हुई हैं। सीबीआई का मानना है कि जो भी बयान उसने अब तक दर्ज किए हैं उसमें कई बयान ऐसे हैं जिनमें विरोधाभास है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर यहां तक दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। बड़ा सवाल ये भी है कि सीबीआई ने जिस क्राइम सीन के सीएफएसएल के एक्सपर्ट के जरिए जांच करवाई, क्या सीएफएसएल के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ करने के बाद पॉलीग्राफी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसी से संबंधित हैं। आपको वारदात की खबर किसने दी? सेमिनार हॉल के पास मरम्मत क्यों कराया? आपने पुलिस को सूचना तत्काल क्यों नहीं दी? पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे, फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम वसूलते थे और जो उनके बात नहीं सुनते थे, कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलेक्ट करते थे, फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराब पिलाते थे, उनको पैसे का लालच लत लगाते थे। इसके अलावा बहुत सारा बेआईनी काम, जैसे बॉडी का लेके, जैसे डेड बॉडी का लेके तस्करी करना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था। संदीप घोष क्या छिपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उम्मीद है कि पॉलीग्राफी टेस्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन उस रात क्या हुआ था, इस गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस समझना होगा। सूत्रों के मुताबिक 8-9 अगस्त की रात वारदात की टाइमलाइन इस तरह से है। पीड़िता और दो फर्स्ट ईयर के छात्र अर्का और सुमित्र ने 12 बजे रात को साथ में डिनर किया। इसके बाद वो सेमिनार रूम में गए जहां वो 1:30 से 2 बजे तक रहे और नीरज चोपड़ा का जेवलिन फाइनल देखा। सेमिनार रूम के सामने स्लीप रूम है जहां डॉक्टर आराम करते हैं। अलका और सुमित्र स्लीप रूम में गए जबकि पीड़िता सेमिनार रूम में आराम करने लगी। गुलाम ने 2:45 बजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही जबकि सुदीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था। तीनों कमरे, सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के पास है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि चार डॉक्टरों में से क्या किसी एक ने भी सेमिनार हॉल में उस रात क्या हुआ ये जान पाए। सीबीआई चार डॉक्टरों और दो स्टाफ से यही समझने की कोशिश कर रही है, इसलिए झूठ पकड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रही है। इन लोगों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। खाना खाने के बाद आप कहां गए? क्या आपने पीड़िता की चीख सुनी? वारदात का पता चलने पर आपने क्या किया? सवाल है कि पीड़िता को आखिरी बार जिंदा देखने वाले चार डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि सीबीआई के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है जिसके चलते उसे एक दो नहीं बल्कि 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ गई। इस वारदात के अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता पुलिस संजय राय की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंड शट मान रही थी, सीबीआई को ऐसा नहीं लगता है। कोलकाता पुलिस की नजर में मुख्य आरोपी संजय रॉय है, लेकिन सीबीआई असली कातिल तक पहुंचने के लिए 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। बता दें कि कोलकाता पुलिस ने सेमिनार हॉल में मिले ब्लूटूथ के जरिए अगले दिन संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। असल में सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कलकत्ता पुलिस से सीबीआई को मिले हैं, जैसे कलकत्ता पुलिस द्वारा लिया गया पीड़िता का डीएनए सैंपल। सीबीआई के एंट्री से पहले पीड़िता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, इस वजह से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता। सीबीआई के पास न बॉडी है न ही स्पॉट पर मौजूद पूरे साक्ष्य। मौका या वारदात पर एक से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स भी जांच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। जाहिर है टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें आ रही हैं। मतलब सवाल घूम फिर कर वही पहुंच जाता है कि क्या आरोपी संजय राय ही कातिल है या कातिल कोई और है।
क्या कत्ल एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया या कत्ल संजय रॉय ने किया और सबूत किसी और ने मिटाए? क्या कोलकाता पुलिस की थ्योरी सीबीआई के गले नहीं उतर रही? सीबीआई की टीम ने मौका वारदात का कई बार मुआयना किया, यहां तक कि मौका वारदात की 3D मैपिंग भी की गई ताकि कोई सबूत सीबीआई के हाथ लग पाए। सीबीआई सेमिनार हॉल में छुपे अदृश्य सबूतों को जुटाने की भी कोशिश कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट की डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि झूठ पकड़ने वाली ये मशीन आखिर कितना झूठ पकड़ पाती है और कैसे पकड़ती है। सबसे पहले जानिए कि क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटैच किए गए सेंसर से मिलने वाले सिग्नल को एक मूविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसर अटैच किए जाते हैं। अब जानिए कि क्यों करवाया जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट। जब आरोपी या संदिग्ध पूछताछ में कुछ छिपाने की कोशिश करता है या अपना बयान बार बार बदल देता है। किसका लिया जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट? अदालत की परमिशन और संदिग्ध की सहमति से जांच एजेंसी कर सकती है टेस्ट। कैसे काम करता है पॉलीग्राफी मशीन? मशीन इन्हें रिकॉर्ड करता है, सांस लेने की गति, व्यक्ति का पल्स, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, व्यक्ति का पसीना, हाथ पैर का मूवमेंट। कोलकाता केस इसलिए भी उलझ गया है कि जिस आरोपी संजय रॉय को कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका कहना है कि वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। संजय रॉय की वकील का कहना है कि वो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए इसीलिए तैयार हुआ क्योंकि सच सामने आ सके, लेकिन सवाल है कि क्या संजय सच बोल रहा है? संजय के दोस्त ने उसके व्यवहार को लेकर जो कहा उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। करता था उससे हम लोग बातचीत ही बोलना बंद कर दिया भैया। किस तरह का कचरा, मतलब क्या क्या करता था भाई? पीने का बाद माँ कौन बहन कौन कहा है, मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना, वैसी करता था। मतलब क्या छेड़खानी करता था लड़की? हाँ वैसी छेड़खानी फिरखानी करता, उसके साथ हम लोग बाता बाती नहीं करते थे, आता तो भगा देते थे हम लोग के पास। दारू पीता था रात को, कितना राई भैया दारू पीते पीते बियर लेके आई था तो हम भी 2 घोट पी लिया था, बस वही लेके वहाँ कौन जा रहा था छेड़खानी किया मेरा, ए क्या कर रहे, बोला हम पिलाया हम खिलाया थे हम ही को। उसके बारे में ये भी बहुत कहानियां चल रही हैं कि ये रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहाँ का और ये गंदी गंदी वीडियो देखता था। हाँ ये हो सकता भैया। पत्नी जो थी, एक से ज्यादा पत्नी थी उसकी, बताते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे तो सभी जानता है उसका, 4 तो शादी है 4। कोलकाता केस की जांच कहीं उलझ कर दम ना तोड़ दे इसलिए सीबीआई कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सीबीआई हर एक उस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है ताकि इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाया जाए, लेकिन इस तरह से इस घटना और इस वारदात ने कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है और हर तरफ दरिंदे के लिए फांसी और बेटियों के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। सियालदह कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसने स्वतः संज्ञान लिया, सबकी नजरें सीबीआई जांच पर टिकी हैं। सीबीआई कोर्ट में ये क्लियर कर चुकी है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया, लिहाजा अब सवाल है कि क्या कोलकाता केस का सच देश के सामने आ पाएगा या लंबी जांच तारीख पर तारीख वाले फैसले में उलझकर कुछ भी मुकम्मल पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इंसाफ में देरी का एक मतलब ये भी होता है।